पाकिस्तान के वजीर आजम अमेरिका के पत्रकार इंटरव्यू में इमरान ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, अमेरिका को अंडा देने से भी साफ मना कर दिया। मिलिट्री बेस के सवाल पर इमरान ने जवाब दिया एब्सोल्युटली नॉट, यानी हरगिज नहीं। इमरान का जवाब पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है। अब एक्सपर्ट्स इमरान को सलाह दे रहे हैं कि अमेरिका को नाराज करके पाकिस्तान में पीएम बने रहना मुश्किल है। अब सुपर पावर के डर से इमरान क्यों लॉकडाउन में है, खास रिपोर्ट से समझिए। Will you allow the American... क्या आप अमेरिकी सरकार को इस बात की इजाजत देंगे कि अफगानिस्तान में अलकायदा, आईएसआईएस और तालिबान के खिलाफ एंटी टेरर ऑपरेशन करने के लिए CIA यहाँ पाकिस्तान में रहे? Absolutely not. हरगिज नहीं, किसी भी हालत में हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। अफगानिस्तान में किसी भी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान अपने अड्डे या अपनी जमीन को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा और ये बिल्कुल नहीं होगा। इमरान खान ने अमेरिका के पत्रकार को सिर्फ दो शब्दों का जवाब दिया, एब्सोल्युटली नॉट, यानी हरगिज नहीं, और इस जवाब ने वजीर आजम को पाकिस्तान का हीरो बना दिया। मेरा वजीर आजम इमरान खान है जिसने अमेरिका की आंख में आंख डाल के अमेरिका के टीवी को कहा कि नामुमकिन है, नामुमकिन है, जिसपे वो हक्का बक्का रह गए। पाकिस्तान के हर अखबार की हेडलाइन से लेकर लोगों के बीच यही चर्चा है कि इमरान खान ने सुपर पावर को क्या जवाब दिया है। एक झटके में इमरान की 3 सालों की सभी गलतियां माफ कर दी गई, जिससे इमरान को पाकिस्तान कोसते नहीं थकता, वही अब सुपर हीरो बन गया। खबरदीनों के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का एक इंटरव्यू जो कि वो अमेरिकी टीवी को दे रहे थे, उसमें एक स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, ये टॉप ट्रेंड भी बना हुआ है सोशल मीडिया पे और बहुत ज्यादा डिस्कस भी हो रहा है। यहाँ तक कि जिस अमेरिका को ना सुनने की आदत नहीं है, उसके पत्रकार के लिए भी पाकिस्तान के कप्तान का जवाब चौंकाने वाला था। Absolutely not. There's no way we would allow. इमरान खान के बयान की अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी सेना 11 सितंबर तक वापस चली जाएगी और अफगानिस्तान में तालिबान का खतरा अभी से बहुत बढ़ गया है। फिलहाल अमेरिका सैन्य अड्डे के लिए कई देशों से बात कर रहा है और इमरान ने टीवी पर अमेरिका को मिलिट्री बेस देने से मना कर दिया। इस पर इमरान की तारीफ हो रही है, लेकिन वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या इमरान अमेरिका को मना कर सकते हैं और इमरान के नो कहने का मतलब क्या है। वजीर आजम ने अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अमेरिका को अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया। जब कभी भी इस किस्म का कोई फैसला हुआ है वो कोई फौजी हिटलर करता है। इमरान खान बाकी नो कह सकते हैं अमेरिका को? ये बहुत मुश्किल सवाल है और पाकिस्तान में एक हिस्सा तबका तो इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, वो जो इमोशनल तबका है जो वो कहता है नहीं नहीं जबरदस्त, इमरान खान वो लीडर है जनाब जिसने कमाल कर दी। और इमरान खान साहब को पता है कि मैंने अवाम के अंदर अपनी बात कैसे करनी है, इमोशनल बातें कैसे करनी है, लोगों को इमोशनल कैसे करना है, ये खान साहब जानते हैं। पाकिस्तान के इतिहास में यह तीसरा मौका है जब अमेरिका उससे मिलिट्री बेस की मदद चाहता है, हर बार मुद्दा अफगानिस्तान ही रहा। साल 1979 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक से अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने मदद ली थी। साल 2001 में अमेरिका ने जनरल मुशर्रफ को धमकी देकर अफगानिस्तान में मदद करने के लिए कहा था और अब इमरान सरकार से अमेरिका बातचीत कर रहा है, अड्डा देने के लिए कह रहा है। लेकिन इमरान सिर्फ मना करके नहीं बच सकते। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका एक साथ कई मोर्चे से प्रेशर डालता है और पाकिस्तान के लिए मना करना बहुत मुश्किल होगा। अभी अमेरिका का फुल प्रेशर आपके ऊपर नहीं आया है, उसकी वजह यह है कि अभी वो उनका इंखला जा रही है, वो बड़े प्रिकेरियस सिचुएशन में है इस वक्त, उनकी सिचुएशन काफी क्रिटिकल है इस वक्त, वो इस पोजीशन में नहीं है कि बहुत ज्यादा आपके आपको कुछ कहे हैं जब तक कि उनके, और ये मेरा ख्याल है जुलाई के बाद आप देखेंगे कि तेवर बदलेंगे, बहुत ज्यादा दबाव आएगा। अमेरिका मिलिट्री बेस के लिए कई देशों से बात कर रहा है लेकिन पिछले एक महीने में पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर इस्लामाबाद का सीक्रेट दौरा कर चुके हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA मोहित यूसुफ ने अमेरिका के NSA जैक सुलिवान से मुलाकात की थी। पाकिस्तान में एयरबेस के लिए अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने भी कोशिशें की। दावा किया गया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को एयरबेस की मंजूरी दे दी थी। ऐसी रिपोर्ट आने के बाद ही पाकिस्तान में हंगामा होने लगा। पाकिस्तान की आवाम भी जानती है कि इमोशनल होकर फॉरेन पॉलिसी के फैसले नहीं लिए जाते और फौज के रहते हुए अंतिम फैसला करने का अधिकार इमरान को कभी नहीं मिलेगा। जो फॉरेन पॉलिसी के रिलेशनशिप है और जो मिलिट्री कोऑपरेशन है, इसको आप इमोशनली डील नहीं कर सकते। ये कोई आप गली मोहल्ले में जाके या इलेक्शन नहीं लड़ रहे कि आप जो नहीं करेंगे आप नो कह देंगे, मेरी पॉपुलैरिटी के ग्राफ नीचे है तो जरा सोशल मीडिया पर चढ़ाई कर दो अमेरिका के ऊपर। नहीं जी नहीं, हम तो नहीं देने वाले भाई, जिन्होंने फैसला करना है दे हैव डन इट, उन्होंने पता चल चुका हुआ है कि हमारे हक में क्या बेहतर है। अमेरिका से डॉलर मिलने के लालच में पाकिस्तान अपने बेस देता आया है, शायद इस बार भी ऐसा ही होगा लेकिन उसकी खबर इमरान को नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा लीडर चाहिए था जो दुनिया में आंखों में आंखें डाल के कहे कि तुम कौन होते हो मुझे डिक्टेशन देने के कि मुझे बेस चाहिए, मुझे
ड्रोन हमले के लिए तुम्हारी जगह चाहिए और हम तुम हलाते हुए चंद डॉलरों के लिए अपनी मुल्क की इज्जत वकार दांव पे लगा दें। एक इंटरव्यू में इमरान ने कई गलतियां की। पहले उन्होंने अमेरिका को नो कहकर विदेश नीति में ना समझी दिखाई और फिर पाकिस्तान में बलात्कार के लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार बता दिया। इमरान खान की माने तो महिलाएं छोटे कपड़े पहनती हैं, इसलिए पाकिस्तान में रेप के मामले बढ़ रहे हैं। We don't have discos here, we don't have nightclubs. हमारे यहाँ ना ही डिस्को है और ना ही नाइट क्लब है। ये बिल्कुल अलग समाज है, यहाँ पर जीने का अलग तरीका है। अगर आप यहाँ पर लालच बढ़ाएंगे और नौजवानों को कहीं जाने का मौका नहीं होगा तो इसके कुछ न कुछ नतीजे जरूर होंगे। अगर यहाँ पर महिलाएं बहुत छोटे कपड़े पहनती हैं तो इसका असर जरूर पुरुषों पर पड़ेगा, वो रोबोट नहीं है। इमरान का ये शॉकिंग बयान सुनकर पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया हैरान है। सोसाइटी में बढ़ती अश्लीलता को लेकर इमरान खान ने अमेरिका के पत्रकार को लेक्चर दे दिया और बुरके के फायदे गिनाने लगे। पाकिस्तान शायद अकेला ऐसा देश होगा जहां प्रधानमंत्री रेप जैसी घटनाओं के लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार मानता है। इस बात पर पूरे पाकिस्तान में हंगामा मच गया, इमरान की मजम्मत की जाने लगी। मर्द कोई रोबोट नहीं, औरत मुख्तसर कपड़े पहनेगी तो मर्दों पर असर तो पड़ेगा। वज़ीर आज़म की ख़वातीन पर जिंसी तशद्दुद से मुतालिक गुफ्तगू, कहा हमारे यहाँ डिस्को या नाइट क्लब नहीं है।